Now just ready material for class 5th, and now we are going to study about the lesson 5, order of operations. Hum is lesson mein order of operations ke baare mein padhenge. Basic thing is that what is operations? Operation that a kind of expression, questions you can say. ठीक है, यहाँ पर मैंने example ले रखा है, that is the operation. But in this chapter we are going to study about order of operation. हम कैसे इस operations को विद द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करेंगे, लेकिन बेसिक थिंग इज कि हम करेंगे कैसे. व्हाट इज द ऑर्डर? सो द ऑर्डर इज बॉड मास. यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दैट इज BODMAS, जिसे हम एब्रिवेट भी करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉड मास इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज BODMAS. तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि DAMAS, मैं आपको बता दूं B जो है वो क्या है, ब्रैकेट है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. ठीक है, ब्रैकेट्स तीन तरह के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन को हम पैरेंथेसिस कहते हैं, सेकंड वन को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और थर्ड वन को ब्रेसेस कहते हैं. क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज पैरेंथेसिस. This one is square bracket. ठीक है, बॉड मास में सबसे पहले B है, B जो रिप्रेजेंट करता है वो ब्रैकेट को करता है. ठीक है, अब ब्रैकेट क्या है, तीन तरह के होते हैं जो हमें एक्सप्रेशन या ऑपरेशंस में मिलते हैं. तो अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो फर्स्ट वन इज, अगर क्वेश्चन में ये सिंपल दिया होगा तो हम इसे क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, यू हैव टू नो. सेकंड वन लाइक दिस, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं बिकॉज स्क्वायर शेप में बना भी हुआ. एंड थर्ड वन इज दिस, जिसे हम ब्रेसेस कहते हैं. तो ये सारे तीनों हमें ऑपरेशन में मिलेंगे. इफ यू ट्राई टू सॉल्व योर एग्जाम्पल्स विथ योर सेल्फ, यू हैव टू ऑल्सो बी सीन वेरी क्लियरली इन द क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट इज बॉड मास. में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बी को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट. नेक्स्ट इज ओ, ओ को हम ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डी, डी को हम डिवीजन कहते हैं. नेक्स्ट इज एम, मल्टीप्लीकेशन. A, addition. And last is S, subtraction. Clear? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, लिसन केयरफुली. यू हैव टू सीन दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड बॉड मास, BODMAS. ठीक है, तो बॉड मास हम क्या कहते हैं, दैट इज फर्स्ट वन B, B को हम कहते हैं ब्रैकेट, जो कि तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज पैरेंथेसिस, दूसरे को स्क्वायर ब्रैकेट, थर्ड को ब्रेसेस. बी के बाद आता है ओ, ओ को हम कहते हैं ऑफ. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैपिटल डी, हम जानते हैं डी क्या है, डिवीजन. ठीक है, फिर आता है एम, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर दैट ए, ए को हम कहते हैं एडिशन. एंड इन द लास्ट एस विल बी रिप्रेजेंट टू सब्ट्रैक्शन. तो ये जो ऑर्डर है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर वी हैव टू सॉल्व द ऑपरेशन. बिना इस ऑर्डर को फॉलो किए हम किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. यही चीजें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज बॉड मास. ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें सिर्फ डी ए एफ ए एस, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया है, तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन. क्लियर? अगर क्वेश्चन में बी ओ यानी ब्रैकेट और ऑफ भी दिया है, सो वी फॉलो द ऑर्डर ऑफ बॉड मास. ऑलराइट, चलिए इसके बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. क्लियर? सो यहां पहले एक एग्जांपल ले रखा है, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इन द ब्रैकेट 8 माइनस 3 माइनस 4. क्लियर? तो अगर बात करें इस एग्जांपल की, तो हम अगर इसमें देखें, हमारे पास यहां पर डिवीजन अवेलेबल है, एडिशन अवेलेबल है, ब्रैकेट का एक पार्ट अवेलेबल है, सब्ट्रैक्शन भी अवेलेबल है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉड मास के ऑर्डर को फॉलो करेंगे. व्हेन वी फॉलो द ऑर्डर ऑफ
वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहां पर जो ब्रैकेट दिया है, एंड दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट इज दिस, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट. व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रैकेट, तो यू हैव टू राइट द टाइप ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, आपको ये टाइप ऑफ ब्रैकेट भी लिखना होगा. इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, इससे आपको याद भी रहेगा, बिकॉज इन फ्यूचर ये सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में मिलने वाली है. क्लियर? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 36 डिवाइडेड बाय 3 प्लस वी हैव रिमूव टू ब्रैकेट, दैट इज 8 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया. फर्स्ट ऑर्डर हमने ब्रैकेट रिमूव फॉलो किया. अब ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ मिलता है, बट क्वेश्चन में ऑफ है नहीं, तो हम डायरेक्ट आएंगे डिवीजन पे. डिवीजन क्या करता है कि हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 36 से डिविजिबल बाय 3, सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डिवाइड द 36 बाय 3. मैं यहां पे डायरेक्टली कर रहा हूं, बट आप कैलकुलेशन रफ वर्क में ही करेंगे. 36 डिवाइडेड बाय 3 मींस 12 प्लस 8 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है. अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव किया, सेकंड में डिवीजन, थर्ड वन अब हम आएंगे एडिशन पे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है इस ऑपरेशन में, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने डिवीजन के बाद अब सीधे एडिशन पे, सो 12 प्लस 8 मींस 20 माइनस 3 माइनस 4, क्लियर. तो यहां पर हम एडिशन के बाद अब कहां पे आ गए, सब्ट्रैक्शन पे, 20 माइनस 3 माइनस 4, क्लियर. तो हम यहां पर आ गए सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर इज 20 है, 20 माइनस 3 दैट इज 70 माइनस 4. अब फिर से सब्ट्रैक्शन का सेकंड पार्ट आ गया, हम यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन दैट इज इक्वल्स टू 30. तो यहां पर ऑपरेशन हमने सॉल्व कर लिया विद द यूजिंग ऑफ ऑर्डर एंड वी गेट अ रिजल्ट ऑफ 30. इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, विच इज गिवन इन योर कोर्स बुक, प्रैक्टिस बुक, एंड यू आर एबल टू ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज टू इजी, बहुत आसान है, ठीक है. सिर्फ आपको क्या करना है, इन ऑर्डर्स को फॉलो करना है, जो भी ऑपरेशंस आपको दिए होंगे उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है. मैं इससे रिलेटेड आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगा, वीडियो एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है यू कैन ऑल्सो व्यू दिस सेकेंड टाइम, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सो थैंक यू फॉर द डे.